press the bell icon for no. नमस्कार आप सभी को, आइए दादा। वेल आज आई थिंक लॉन्च पार्टी है और उस पे हमें विकास भैया ने बुलाया, तो थैंक यू विकास भैया। और मैं विकास भैया एकता मैम दोनों को थैंक्स कहना चाहूँगा, कंग्रेचुलेट करना चाहूँगा। मुबारकबाद हो विकास भाई को फॉर दिस वन। आई होप ये बहुत, इसका ट्रेलर देखा मैंने, बहुत ही क्रिस्प है, बहुत ही थ्रिलर है, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। एंड लव जस्ट सी अभी क्या होता है आगे, लाइक आज ही से स्ट्रीम होना शुरू हुआ है, सबको ही देखो और बताओ कैसा है। स्कूल एंड कॉलेज तो हमेशा से ही एक धमाल स्टोरी होती है, सबकी अपनी अपनी फन स्टोरी होती है। और हम लोगों ने अपना होम टाउन से स्कूलिंग की हुई है, तो ऑफकोर्स वहाँ पे बहुत मज़े आए। और अब यहाँ से कॉलेज हो रहा है, तो यहाँ पे भी बहुत मज़े आए। लाइफ एंड कॉलेज लाइफ कोई मिस नहीं करनी चाहिए। फिल्म भी आपने बहुत अच्छा काम किया, अभी थोड़ा बहुत तो कुछ बदला है, बट अभी और मेहनत करनी है, और बड़ी चीज़ें करनी है। अगर आशीर्वाद रहा तो और अच्छा करेंगे। मुझे तो मेरे भाई बहुत अच्छे लगे। बिल्कुल, बहुत एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट होने वाली है। मे बी ऑन 9th विल अनाउंस आवर नेक्स्ट प्रोजेक्ट इन बॉन्ड ब्रॉस रिकॉर्ड्स। या हेलो एवरीबॉडी, बहुत सारी यादें ताज़ा हुई। बेसिकली ऐसा कहा जाता है कि स्कूल टाइम सबसे अच्छा होता है, और आई एम श्योर आप सब भी यही मानते होंगे। जितने लोग मुझे सुन रहे होंगे उनको भी ये लगता होगा कि स्कूल टाइम से बेटर कोई टाइम नहीं होता, बिकॉज उस टाइम पे हम इतने केयर फ्री होते हैं, हमें टेंशन नहीं होती, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं होती। उस टाइम की टीचर की डांट भी बहुत अच्छी लगती है, और मतलब पता नहीं आप में से बहुत सारे लोग भी होंगे, बट मुझे लगता है मुझसे ज़्यादा मस्ती खोर बच्चा कोई नहीं होगा। मैंने इतनी मस्तियाँ की हैं स्कूल में, अगर मेरे टीचर सुन रहे होंगे तो वो हंस रहे होंगे इस वक्त। ऐसा कोई गलत काम नहीं जो हमने नहीं किया, आप लोगों को नहीं करना चाहिए। दिस इज नॉट अ मोटिवेशन टू डू दैट, मत करना यार। चलो मेंशन करते हैं, थोड़ा लंबा है वो। स्कूल टाइम में ना यार नहीं अच्छा लगता, चलो कर देते हैं। मेरी गर्लफ्रेंड होती थी, तो कुछ ऐसी बात हो गई थी कि वो नाराज़ हो गई थी। उस टाइम पे नया नया फिल्म आया था, आशिक बनाया आपने, उसमें गाना था मरजामा जावा। हमारे पास उस वक्त एयरपॉड्स आए, ये आईपॉड्स आए नहीं थे, वॉकमैन होते थे तभी। तो वॉकमैन हम लोग स्कूल लेके जाते थे छुप छुपा के, और वॉकमैन में वो गाना रिवाइंड करके मरजामा जावा वाला गाना लगा के 15 अगस्त का सेटअप बना हुआ था, स्पीकर्स लगे हुए थे ग्राउंड में, सेटअप लगाया, एक फ्रेंड को बोला, बोलते बोलते वो पूरा कनेक्शन चैनल था कि एक ने दूसरे को बोला, दूसरे ने तीसरे को बोला, और मैं ऊपर टूम पे खड़ा हुआ था। हमारा स्कूल रेड फोर्ट जैसा था, RSPS आगरा में, तो उसके टूम पे मैं खड़ा हुआ था और पूरे स्कूल में मरजामा जामा गाना बज रहा था। ऊपर टूम पे मैं डांस कर रहा था, और सामने ग्राउंड में जो मेरी गर्लफ्रेंड वहाँ पे वो रेसेस टाइम में खाना खा रही थी, पिटा बाद में मेरा दोस्त जिसने प्ले किया था। तो ये ऐसे ऐसे हम लोग बड़े बड़े काम करते थे, जस्ट कि वो नाराज़ हो गई तो उसको मनाने के लिए। आप लोग ऐसा सब मत कीजिएगा, अच्छी बात नहीं। हमारी हर रोज़ रात को पजामा पार्टीज़ तब भी होती थी, आज भी होती हैं। पजामा पार्टी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आप बहुत केयरफुल रहते हो। मैं पजामे का प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, बट स्टिल अच्छा है। ओह या, मैंने सबसे पहले उन्होंने बोला पजामा पार्टी, एंड मैंने दरअसल कहा ओप्स, शी इज़ वेयरिंग अ पजामा सॉर्ट ऑफ समथिंग। तो चेतना कैसा लग रहा है आपको क्लास ऑफ 2020 के बाद, लाइक के साथ? बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत ही बचपना याद आ गया। निकल नहीं पा रही हूँ कैरेक्टर से बाहर। How did you like the trailer? You have to tell. Mind blowing, outstanding. They've done a really good job, and simultaneously reminds me, जैसा कि आप सब लोगों ने मुझसे पूछा, reminds me of my school days where we used to do certain things जो आप लोगों को नहीं करनी चाहिए। Were you a naughty? Extremely. Okay. Yes. Got the answer. Yeah. Thank you so much. Thank you.
द मोस्ट सेक्सीएस्ट नाइट में. यू नो गाइस, यू ऑल लुक फैबुलस ऑन द शो मैन. थैंक यू. आई हैव सीन सम प्रोमोस, ऑल द वेरी बेस्ट. एंड दे हैव बीन शेयरिंग आवर प्रोमो. आह थैंक यू सो मच. सो क्यूट. मैं ले लूँ. हाँ. यार ये लो. वही भी ले लो यार. सभी लो. सब ले लो. तो नीचे हम लोग टेक दिस पिक्चर. और तो हैंड फुट के साथ. यार थोड़ा ही सर्दी. आ रही है. इधर सेंटर पे. हाय. हेलो. This is the crazy and fabulous cast of Radio 21. You guys are looking fabulous. Vijay, hi. I'm the producer, but that's my cast. हमें तो पता ही नहीं था. हमें पता ही नहीं था. छुपना नहीं है ना इसमें. This is our cupid. Absolutely. Now it's one group. Guys, come on. मुझे पिक्चर्स चाहिए बिफोर यू. आई लव टू एवरीवन एल्स. चलो आप लोगों ने कुछ खाया? चलो चलो. कैसे है सब? कोई सेट पे आ जाया करो यार. कांजूरमाल मुझे मालूम है थोड़ा दूर है, बट आ जाया करो. सब इतने सारे कैमराज देख के अच्छा लगता है. सेटिंग सेटिंग. क्लोज टू 7 months अभी. हाँ आई थिंक इट्स अ न्यू लाइफ ऑन संजीवनी एंड एक लीप आया है. बट टुनाइट इज स्पेशल बिकॉज ऑफ डीजे. नो नो, फर्स्ट शी इज टेलिंग अस अबाउट द लीप. सो व्हाट हैपेंस इन द लीप? कितने साल का लीप था ये बताओ तो. कितने साल का लीप है? 3 साल. 3 साल का लीप. किसी के बच्चा बच्चा हुआ है? नहीं हुआ. चपरा बच्चा कैसे हो सकता है? मैं इतनी जवान हूँ, बच्चा कैसे हो सकता है? लीप में हमेशा नहीं होता कि कुछ हो जाता है बड़ा सा भयंकर सा. कोई हीरो हीरोइन अलग हो जाते हैं, उनमें दुश्मनी होती है, फिर वो वापस कैसे आएंगे? मेरा हीरो और मैं अलग हो गए हैं. मेरी शादी पे नहीं आया. शादी में उसी के साथ करने वाली थी लेकिन वो मंडप पे आया नहीं, तो अब मेरे को दूसरा लड़का मिल गया है. अरे वाह. और दूसरा लड़का कौन आया? हीरो ने गौरव जी. गौरव चोपड़ा. गौरव चोपड़ा. या गौरव. वेरी गुड. या बट एनीवे टुनाइट इज ऑल अबाउट क्लास ऑफ 2020. Big Boss, Class of 2020. What Big Boss? Listen, how do you keep juggling between so many See, things? See, we will not discuss. मैं आप लोग के सवाल इनसे पूछ लेती हूँ. हाँ? How do you juggle between? फिर हमें बेमतलब जैसे दोस्तों को भी मिल लेते हो, कैसे करते हो यार? क्या है ना, मेरे ना दो बेमतलब के दोस्त हैं. एक का नाम है पर्ल बी पुरी, दूसरे का नाम है सुरभि चांदना. मैं इनका कभी कोई काम वाम तो करा नहीं मैंने आज तक. नहीं दिख रहा है कि सब करेंगे क्या नहीं करेंगे, और मन बहुत करता करेंगे. लेकिन व्हाट हैपेंस इज they both are there for me all the time and I am there for them all the time.
और नो ऑलवेज ऑलवेज ये हम कितने भी टायर्ड क्यों ना हो बट आई नो आई रिमेंबर संजीवनी का लॉन्च था एंड वीजी वाज देयर आज क्लास ऑफ 2020 का है एंड आई एम अराउंड ऑलवेज देयर फ्यूचर चले अगर हम बात करें कॉलेज लाइफ की तो आप मैं यार बॉम्बे की लड़की हूँ बॉम्बे गर्ल हूँ मैंने अपना सारा कॉलेज स्कूल MBA बहुत ज़्यादा पढ़ाई हो गई सब कुछ बॉम्बे से किया है बट आई हैव नेवर एंजॉयड कॉलेज लाइफ वेरी ऑनेस्टली क्योंकि मैं यार मैंने आई वाज गिवन अ जॉब व्हाइल आई वाज डूइंग MBA हमारे हिस्से की सारी कांडीगिरी शुभवी ने करी है सारी कांडीगिरी शुभवी ने सर और यू नॉट एंजॉय कॉलेज आई वाज आल्सो वर्किंग व्हाइल आई वाज स्टडी इवन आई वाज वर्किंग व्हाइल आई वाज स्टडी लेडीज कम टू कंटिन्यू तो मैंने इतना कुछ बंक वंक भी नहीं किया यार मैं अच्छी स्टूडेंट थी मैं तो कॉलेज मैं भी बहुत अच्छी स्टूडेंट थी मैं आउटस्टैंडिंग स्टूडेंट थी आई वुड ऑलवेज स्टैंड आउटसाइड कॉलेज आई फिगर्ड व्हेन यू सेड आउटस्टैंडिंग या थैंक यू गाइस ओके बाय थैंक यू लॉट्स ऑफ लव बोलो बोलो हेलो इनको बोलो हेलो बोलो पीछे आप इनको पहचान नहीं पाएंगे इनका जो लुक होता है इतना डिफरेंट होता है आदत हो गई है कभी कभी ऐसा लगता है ये वही है ये है अनुराग की माँ आई नो वो बोल रहे थे ना इतनी छोटी उम्र में मम्मी व्हाट टू डू नाउ मैं आऊंगा पोता बन के चल नहीं यार तुमने ये बहुत बार बोला है अच्छा ऑल द किड्स कम टू माय बेड आई एम फकिंग आपका सोलो हुआ नहीं हुआ अरे हाय लेट मी गिव द बाइट नो फर्स्ट बस बस गोइंग हाँ वो सो रहा है घर पे कल स्कूल है ना आईपैड एक घंटा दिया मैंने उससे बहुत ज्यादा हो गया अभी यहाँ पे आना था करके हाँ वो भी शूट कर रहा है यार नाइट शूट है उन लोग दोनों की देखो बेचारा पर्ल तो शूट शॉट छोड़ के भी आ जाता है बता रहा हूँ ऐसे नहीं मैं शूट खत्म करके आती हूँ है ना उसने पहले प्रोफेशनल आया प्रोफेशनल ओके ओके चलो चलो पिक्चर निकल लो हाँ जी यहाँ आ जाए बट कैसे होगा ये थैंक यू सो मच बहुत अच्छा फीडबैक आ रहा है एक्चुअली 11 एपिसोड्स रिलीज हो गए हैं फ्रॉम क्लास ऑफ 2019 आई थिंक हूएवर सीन इट दे आर लविंग इट थिंग्स आर ऑलरेडी गेटिंग वायरल ऑन इंटरनेट क्या होता है ना तुम्हारे दोस्त लविंग ही तो बोलेंगे ऐसा तो नहीं बोलेंगे कि अच्छा नहीं लग रहा पर सो फार नंबर्स आर वेरी गुड सो वी आर हैप्पी यू नो क्लास ऑफ 2020 इज़ वन ऑफ दो शोज जो कि मैं बनाता हूँ ओनली बिकॉज आई वॉन्ट टू मेक शोज एंड ये शो वो है जहाँ पर हमारा बजट इतना शू स्ट्रिंग वाला होता है एंड येट वी ऑल हैव टू कम टूगेदर सब बताएंगे पी यू नो आई हैव टू टेल यू गाइज रोहन चेतना आर टू पीपल जिन्होंने फ्री में काम किया होगा ऐसे ही सोच लो एंड हाउ मेनी डेज हैव यू शॉट फॉर Six months they have shot for throughout and the way we have come through, the way resources on this show happen, मतलब you know passionately अगर कोई चीज़ बनाते हैं ना और वो बनाओ ऐसे level पर कि छोटी मछली ना मगरमच्छ खा जाए यही था आइडिया आई एम होपिंग दैट हैपेंस हो रहा है अच्छा अपनी एक्चुअली बहुत अच्छा है रिव्यूज भी अच्छा है हमें खुद को देखे बहुत मज़ा आ रहा है हमने 11 एपिसोड देखे तो बहुत मज़ेदार लग रहा है एक इंसान रोने लगा था अपने आपको देख कर मैंने कहा क्या हो गया मैं इतना अच्छा कैसे लग रहा हूँ कौन रोएगा सोचो कौन रोएगा सुशांत तन्वर ये रो रहे थे
दिस इज हिज फर्स्ट टाइम ही स्टडीज इन एमएजी एंड अभी वापस कॉलेज पढ़ने चल जाएगा. बहुत मुश्किल से इसने अपना पूरा का पूरा वर्कआउट किया है कि ही वॉज एबल टू शूट गो अप एंड डाउन एंड फर्स्ट टाइम ही सॉ हिमसेल्फ ऑन थर्ड एपिसोड में सेकंड में उसको गाना वाना लगाया था ना पीछे फुल रो रहा है एक घंटे तक. मैंने रिकॉर्ड किया था ऐसे करके कि वी विल पुट इट मेक इट वायरल. बट गुड जॉब यू डिड वेरी वेल. नहीं ऐसा नहीं है जो कास्ट सिर्फ आई टेल यू व्हाट कैन यू सी नौशीन मैम देयर एंड रुशाद सर बोथ ऑफ देम अगेन आई वुड लाइक टू टेल यू हैव अग्रीड टू डू देयर पार्ट्स. मनी इज नॉट द कंसर्न. इट्स अ यंग शो एंड उस यंग शो में व्हेन यू हैव सच हैवीवेट एक्टर्स हु विल अग्री टू डू पार्ट्स व्हिच दे लाइक एंड दे स्टिल रियलाइज देयर वाज नो मनी एंड स्टिल दे वेंट अहेड एंड did this for us. I was, you know, I'm very grateful to the people who come together and make this happen. ये बताएंगे क्या करके मैं जो स्कूल लाइफ पे बनी है स्कूल लाइफ पे हाई स्कूल लाइफ तो कितना मजा आया और कितनी स्कूल लाइफ की यादें ताजा हुई. बहुत ही मजा आया. आई थिंक हम आप सारे के सारे अभी भी बच्चे ही बने हुए हैं. वी हैव नॉट ग्रोन अप. स्कूल में थे ना तो सुनते थे हमेशा टीचर्स बताती थी और बाकी लोग भी बोलते थे कि स्कूल लाइफ इज द बेस्ट लाइफ. तो लेकिन उस टाइम पे क्या होता है पीयर प्रेशर होता है और पढ़ाई का इतना प्रेशर होता है हम एंजॉय नहीं कर पाते. लेकिन उसके बाद जब निकलते स्कूल से तो फिर फ्रेंड्स को याद करते फिर रियलाइज होता है कि यार काश उस टाइम पे एंजॉय कर लिया होता. तो उस टाइम पे जो नहीं कर पाए वो अभी वी आर रीलिविंग दोज मोमेंट्स. और बहुत मज़ा आया शूटिंग के दौरान भी. सब अच्छे फैमिली बन गए दो इतने अच्छे दोस्त बन गए सबके सब. बहुत मज़ा आ रहा है. फ्रेंच मैम my sports teacher. No, I was from a girls school. It happens. Sorry, girls teacher. सब भी crush हो गया. That's why Ranchi has come out like that. मैंने school में कुछ नहीं किया. इसलिए वही show कर रहे हैं. इन्होंने show में सब किया. Yes, school life में मैंने कुछ नहीं किया. तुम भी सब हो रहे हो. मेरा भी same. कोई कुछ नहीं था. मेरा school था. समझ गए. ऑब्वियसली जब बच्चे होते हैं तो वो हल्का फुल्का जो क्रश होता ही है वो इंग्लिश टीचर होती है. मैथ्स सेकंड स्टैंडर्ड में क्रश हुआ था रोहन को. सेकंड स्टैंडर्ड में क्रश हुआ था जो मैथ्स टीचर थी. मुझे मतलब बहुत अच्छा लगता था मैथ्स में. बहुत अच्छे ग्रेड्स भी आते थे आई थिंक इसी वजह से क्योंकि मैं उनको बहुत अच्छे से सुनता था ध्यान से. तो यार बहुत मेहनत हमने की है. 6 महीने से मेहनत कर रहे थे जैसे कि आप देख सकते हैं. सब ने बहुत मेहनत की है. 1.5 साल से ये शो बन रहा था. इसकी प्लानिंग चल रही थी. प्री प्रोडक्शन हो रहा था. फाइनली एपिसोड निकल कर आए हैं. 11 एपिसोड आए हैं. मैं बस ये बोलना चाहता हूँ कि आप बस पहला एपिसोड देख लो जो कि फ्री में मिल रहा है. उसके बाद 100% आप बाकी सारे एपिसोड देखेंगे डाउनलोड करेंगे. एक चीज है फैंस के लिए Thank you so much. Thank you. हाँ जी आज बहुत ही ज़्यादा फ्रेश है यंग है और विकास का शो है तो आई एम श्योर कॉन्टेंट बहुत इंटरेस्टिंग होगा. थोड़ा बहुत मुझे अपने टीनेज ईयर्स की याद आ गई. सो आई थिंक मेरे लिए स्पेशली फिलहाल ऐसा वेब सीरीज देखना बहुत ही रिफ्रेशिंग रहेगा. सो आई एम रियली एक्साइटेड टू वॉच इट. यार मेरे लिए तो यह है कि मैं उस टाइम पे पैदा क्यों नहीं हुआ ऐसे टाइम पे क्योंकि हमारे यहाँ पे सब कुछ होता ही नहीं था यार. इतना मस्ती इतना धमाल. बट डेफिनेटली विकास जो है बहुत ही अच्छे यूथ को बहुत अच्छे से समझते हैं. तो I think it'll be very interesting. Definitely. उधर आप काफी खुश लग रहे हैं. तो मैं या ये भाई मेरा तो मेरा खुशी खुशी छुपाए नहीं छुप रही है. तो अब 13 वीक्स के बाद 13 हफ्ते के बाद 13 हफ्ते बाद आई हूँ वापस. अगर खुश नहीं होंगे ना तो बिग बॉस शुरू हो जाएगा मेरे घर में इनके साथ. तो खुशी तो दिखानी पड़ेगी. वैसे मुझे लगता है खुश तो है मगर इनकी जो 13 हफ्तों में पार्टियां हुई है ना मेरे पीछे वो सब खत्म हो गई है. अच्छा है ना. रियली मुझे खबर मिल रही है बहुत ज्यादा परेशान रहते थे. बहुत गुस्सा आ रहा था इनको.
बट ठीक है रसी, आई कैन अंडरस्टैंड इनका भी पॉइंट ऑफ व्यू. हेल्पलेस जब आदमी फील करता है, ये कुछ कर नहीं पा रहे थे, मैं घर के अंदर थी, ये घर के बाहर थे, तो कहीं ना कहीं उनको अपना फ्रस्ट्रेशन चैनलाइज करना था, तो बिना सोचे समझे गुस्से में आके उन्होंने वीडियो बनाया. मगर सलमान सर ने हमें समझाया है दोनों को कि ये गेम है, इसको घर के अंदर छोड़ के आप बाहर फिनिश इट ऑफ, इट वॉज अ गेम. घर के बाहर देखो, मैं मानती हूँ कि घर के अंदर जितने लोग हैं दिल का कोई बुरा नहीं है, वो गेम ऐसा होता है कि सबका बैड साइड बाहर निकलता है. तो अब जब मैं घर के बाहर आ गई हूँ, आई थिंक आई शुड जस्ट लीव द गेम बिहाइंड और आगे का ज़्यादा ना सोचते हो. आई थिंक वी हैव टू बी ए मैच्योर, और सलमान सर ने यही समझाया हम दोनों को, एंड वी अग्री विथ हिम, उनका हमने रिस्पेक्ट रखा है. सलमान सर के लिए कुछ भी. एंड अरे माय गॉड, मेरी रोटियां इतनी अच्छी बनती थी कि घर वाले लड़ते थे कि शिफाली ही रोटी बनाएगी, और उसमें क्या होता था, मैंने बोल दिया मैं रोटी बनाऊंगी और कोई काम नहीं करूंगी, तो मेरे लिए भी अच्छा था. गुजराती हूँ ना, तो अच्छे गोल गोल गुजराती फुलके बनाते थे. कैमरा एंगल होता था, फुलका फूल रहा है और उधर से पहना पहना और बहुत मजा आया. मुझे लगता है कि मुझे बीबी डोमेस्टिकेटेड सर्टिफिकेट मिल गया है. अब मैं बर्तन मान सकती हूँ, मैं कपड़े धो सकती हूँ, मैं झाड़ू लगा सकती हूँ, थोड़ा बहुत खाना भी बना सकती हूँ, मैं पूरा डोमेस्टिकेट हो चुकी हूँ. एक्चुअली क्या हुआ कि उनकी तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई कि हमें पूरी सिंपैथी थी उनके साथ. अब एंड में तबीयत ठीक भी हो गई, फिर भी वो लिबर्टी ले लेते थे कि यार मेरी तो तबीयत ख़राब है, हम कहते थे चलो कोई नहीं तुम रेस्ट करो हम कर लेंगे. मुझे नहीं लगता फेवरिज्म है, आप जो अपना व्यक्तित्व दिखाते हो वही लोगों को बाहर दिखता है. और फैन फॉलोइंग इस बार आई थिंक हाईएस्ट रेटेड सीजन रहा है, और सभी घर वालों की बहुत ही स्ट्रांग फैन फॉलोइंग रही है. तो क्या होता है, एक वीक आप हीरो दिखते हो, एक वीक आप विलन दिखते हो, क्योंकि घर के डायनामिक्स चेंज होते रहते हैं. तो कभी कभी आपको लगता है कि बायसनेस हो रही है, बट ऐसा नहीं है. सी आई थिंक वेरी स्ट्रांगली सिद्धार्थ और आसिम टॉप थ्री में तो है. आरती मुझे लगती है साथ में. इनको आजकल मुझे भी लग रहा है आरती इज गोइंग वेरी स्ट्रांग, और आरती मेरी बहुत अच्छी दोस्त है, तो मैं बिल्कुल चाहूंगी कि वो भी टॉप थ्री में आए. बट इट विल आइदर बी आरती और शहनाज. रश्मि बहुत अच्छी प्लेयर है. या बट आई थिंक आरती और शहनाज. आरती जाने वाली है. आरती और शहनाज सारे दोस्त हैं, और बहुत ही अच्छा ट्रेलर है. ट्रेलर देखा हमने, लुक्स क्लासी और ऑल्ट पे मतलब मजा ही आता है, प्लस विकास सर का माइंड है. यहाँ पे सब हो रहा है, बट हमको वो देख के मजा आ रहा है. हमने फिर ऐसा अभी ऐसे स्कूल में हम गए नहीं. अच्छा तो आप गए स्कूल में? समीशा गई है. मैं तो स्कूल में थी. समीशा अभी स्कूल में ही है. नहीं ऑब्वियसली नॉट. ओके विकास सर के बारे में क्या कहना चाहिए? उनके मतलब मास्टरमाइंड तो है ही. वैसे ही नहीं बोलते मास्टरमाइंड, उन्होंने मतलब जो भी करते हैं इज गुड एट इट. मतलब रियलिटी शोज से लेके अब जो भी चीज़ें प्रोड्यूस करते हैं, उन्होंने हमेशा सुपर हिट्स दी हैं हर चीज़. इसमें भी कुछ अलग अलग चीज़ें अपने दिमाग से दिखाई हैं. तो आई एम सो हैप्पी फॉर हिम कि इतना अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है ट्रेलर को ही आज लॉन्च से. आई एम सो हैप्पी. 2019 में आप अरे बहुत कुछ है लाइनअप में. अभी अभी हम दुबई से रिटर्न हुए हैं. तीन तिगाड़ा का नया सॉन्ग आ रहा है बहुत जल्द, क्योंकि आप सब ने रुलाके का इश्क को इतना सारा प्यार दिया. 70 मिलियन क्रॉस कर चुका है यूट्यूब पे. 72 हो चुका है. और आप फैंस का अगर प्यार ऐसा ही रहा तो जल्दी 100 मिलियन हो जाएगा, 200 मिलियन हो जाएगा. सो आप लोग ने इतना प्यार किया तो हम एक और एक नहीं बल्कि दो दो नए सॉन्ग दो सॉन्ग्स हमने शूट किए हैं. बहुत जल्द आ जाएंगे बहुत. और वैसे 10 तारीख को तीन तिगाड़ा की एनिवर्सरी, फर्स्ट एनिवर्सरी. एक साल होने वाला है. हम उस दिन एक साल होने वाला था. एक साल होने वाला है. हम 10 फरवरी को मिले थे पहली बार लास्ट ईयर. हंगामा तो पता नहीं, लेकिन लोगों का दिल बहुत जीता है. मैं पर्सनली देख नहीं पा रहा हूँ, बट मैं फॉलो अप पूरा रख रहा हूँ, क्योंकि टिकटॉक पे फॉलोअर भी वीडियोस आ जाते हैं उससे पता चल जाता है. लेकिन मैं अभी तो घर जाके स्पेशली देखते हैं. सेम सेम सेम. मैं बहुत फॉलो अप कर रहा हूँ बिग बॉस को फिलहाल.
चट्टान है आदमी और किसी को भी गिरा सकता है. थैंक यू सो मच. ऑफ कोर्स पजामा पार्टी होती है तो सबको ही बहुत कूल सा बहुत चिल्ड आउट सा फील आता है ना. आई एम श्योर अंदर बहुत लोग चिल्ड आउट हैं, बहुत ही कूल फील कर रहे हैं, लाइक हिप्पी टाइप्स. एंड वो तो अंदर जाके ही पता चलेगा कि कितना धमाल अंदर हो रहा है. आई कुडंट वॉच द एपिसोड बिकॉज ऑफ द रीज़न कि आई वॉज बिजी ऑन शूट. लेकिन जो प्रोमोज मैंने देखे हैं, जो टीज़र मैंने देखे हैं, उससे बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन है. क्लास ऑफ 2020 वैसे ही बहुत स्कूल के बच्चों के ऊपर है. तो स्कूल के बच्चे तो हमें भी स्कूल का टाइम याद आ जाता है कि जब हम भी बहुत मस्ती करते थे, जब हम भी बहुत कुछ एक्सप्लोर करना चाहते थे, लेकिन वी कुडंट गेट द दैट थिंग यू नो. एक टीचर्स की फाउंडेशन होती थी कि हम नहीं कर पाते थे अपनी मनमर्जियाँ. लेकिन क्लास ऑफ 2020 में वो सब कुछ देखने को मिल रहा है कि जो हमारी इच्छाएँ मर गई थी वो शायद विकास गुप्ता ने सारी की सारी बाहर निकाल दी कि वी कुड रिकनेक्ट विद आर स्कूलहुड. मैं बंक बहुत मारती थी जब मैं स्कूल में थी और मैं मार भी बहुत खाती थी. तो आई एम श्योर कि क्लास ऑफ 2020 में जब भी बच्चे बंक मारते होंगे तो उनको मारनी पड़ती होगी. दैट्स व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग. हाँ वो तो मैंने देखा, लेकिन वो भी चलता है. मैंने कहा ना कुछ इच्छाएं हमारी भी स्कूल टाइम पे थी करने की, लेकिन वो पूरी नहीं हो पाई. तो शायद इनके थ्रू हम वो ज़िंदगी वापस से जीने की कोशिश करेंगे. ओह दिस इज़ क्वाइट पर्सनल. इंडीड यस, बिकॉज वो एज ऐसी होती है कि आपको समझ नहीं होती है. तो यस आई हैड अ क्रश ऑन माई मैथ्स टीचर. इंडीड यस. फैंस की ही वजह से शायद ये कैरेक्टर इतना पॉपुलर हो पाया है. सिर्फ उनको बहुत ज़्यादा प्यार देना चाहूँगी, तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि बालवी रिटर्न्स को उन्होंने इतना सम्मान दिया, इतना प्यार दिया. अभी तक उनकी उम्मीदों पर खरी उतरी हूँ और आगे भी उतरती रहूँगी कि बालवीर को तकलीफें देती रहूँ. I'm gonna actually hate on people जो आज पजामा पहन के नहीं आए हैं, उनकी शुभ्रिटी है. But I'm very 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 glad to be here. Thank you. अभी तो पार्टी शुरू भी नहीं हुई है मेरे हिसाब से. तो आई मीन वेरी क्लोज फ्रेंड्स ऑफ माइन हैव बीन अ पार्ट ऑफ द शो. तो हाँ एक्साइटमेंट तो बहुत है. एंड यस आई एम श्योर वी आर गोना हैव अ ग्रेट 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 टाइम. एंड मे बी आई एम गोना टेल यू हाउ द पार्टी इवेंट आफ्टर आई एम डन विद अ फ्यू यू नो. नहीं आई एम नॉट देयर इन क्लास ऑफ 2020. आई एम नॉट अ पार्ट ऑफ दिस शो बट माय फ्रेंड्स आर. तो मैं ये पूरा शो उनके लिए देखने वाला हूँ. एंड आई एम श्योर आई हैव सीन अ फ्यू एपिसोड्स एंड आई हैव लव्ड लव्ड व्हाट निबी हैज डन. आई हैव लव्ड व्हाट माय अदर फ्रेंड रोहन हैज डन. एंड या आई एम रियली एक्साइटेड टू सी द रेस्ट ऑफ द एपिसोड्स. I can't really disclose what my next project is because I'm still in talking terms. But very soon, yes, you guys are going to see Mohit very soon, and I promise to keep entertaining you guys. Thank you. Right. This. Thank you so much, guys. Thank you. ऑफकोर्स मैंने ट्रेलर देखा है और शेयर भी किया है. एंड द ट्रेलर लुक्स क्वाइट प्रॉमिसिंग. तो आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड कि कैसा होगा पूरा सीरीज़.
And all the best to everybody who is associated with the class of 2020. And congratulations, Vikas, and all the team members. You all have done a fab job. College ki meri fun memory yahi hai ki I used to participate in a lot of activities or dance dramatics or har kisi function mein main bahut hi participate karti thi. So college ki memory thodi si kam hai kyunki by the time I entered college I had started working in the industry. So college life maine bahut kam enjoy ki hai, but of course school life bahut enjoy ki hai. Aur ye jo sare bacche hai wo school dress pehen rahe hai, to wo mujhe bada fascinating lagta hai. I am also first bencher and also a back bencher, both. Thank ट्रेलर बहुत अच्छा लग रहा है एंड आई एम श्योर क्लास ऑफ 2020 बहुत अच्छी होगी. सो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू कॉलेज लाइक. तो हाँ, क्लास बंद करना, कैंटीन में बैठ के दिन भर मैगी खाना फ्रेंड्स के साथ. तो यस, बहुत मिस करती हूँ मैं कॉलेज लाइफ. बहुत ज़्यादा हैपनिंग होती है और हमेशा लाइफ टाइम इज बिग मेमोरी एक्चुअली. सो कॉलेज तो कॉलेज लाइफ, स्कूल लाइफ हमेशा स्पेशल होती है. तो बिग बॉस मैं 100% फॉलो कर रही हूँ और बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है बिग बॉस देख के. ऑलमोस्ट ग्रैंड प्लान आने वाला है. एक्साइटेड है, लेट्स सी हु विल विन. टॉप थ्री में मेरे लिए तो आसिम, सदाद एंड सना, एंड आई रियली होप इनमें से ही कोई जीत के बाहर आए. इनफैक्ट मेरे लिए भी है आसिम, सदाद, सना और शायद रश्मि भी हो सकती है, तो इनमें से कोई होना चाहिए टॉप थ्री में. मेरे अकॉर्डिंग सलमान सर, जो हमारा एक्सपीरियंस रहा है उसके मुताबिक हम बोल सकते हैं कि बिग बॉस कभी भी बायस नहीं होते यार. उन्होंने ही तो अपॉर्चुनिटी दी है और इतना बड़ा स्टार बनाया है. तो मुझे नहीं लगता है, क्योंकि आप सिर्फ एक घंटा देखते हैं और 24 घंटे की जो जर्नी होती है, तो वो जो क्रिएटिव है वो निकालते हैं. तो आई डोंट थिंक सो सलमान सर या कोई बिग बॉस जो क्रिएटिव टीम है बायस होती है. कभी कभी क्या होता है, सिचुएशन ऐसी लगती है कि लाइक अगर हम आसिम के फैन हैं तो हम सोचेंगे कि आसिम के साथ गलत हो रहा है, अगर सलमान सर आसिम को डांट रहे हैं. या सिद्धार्थ को किसी बात पे टोका जाता है तो सिद्धार्थ के फैंस उसके यू नो सलमान सर के अगेंस्ट हो जाते हैं, या बिग बॉस से कह रही सिद्धार्थ के साथ गलत हो रहा है. तो दिस इज पार्ट एंड पार्सल आई थिंक बिग बॉस में चलता रहता है ये सब चीज़ें. अभी ऐसा कुछ प्लान नहीं है ऐसा जाने का. बिग बॉस बुलाएंगे तो हम चले जाएंगे फॉर श्योर. ऐसी चीज़ें रोज रोज तो होती नहीं है. एंड थैंक्स टू विकास द क्रिएटर, द मास्टरमाइंड बिहाइंड ऑल ऑफ दिस, जो हमें बार बार ऐसी एक्सपीरियंसेस देते रहते हैं. लाइक द पजामा पार्टी टुनाइट, लाइक हाउ वी ड्रेस्ड. मैं आज ही बोल रहा था इन्हें निकलते वक्त कि रोज ऐसी थोड़ी निकलते हैं हम घर से. सो इट्स प्रीटी कूल एंड आई लाइक द वाइब, इट्स प्रीटी नाइस. क्लास ऑफ 2020 में एक्चुअली हमारे बहुत फ्रेंड्स भी हैं, सो आई एम रियली एक्साइटेड टू सी इट. मैंने दो तीन क्लिप्स देखी है एक बार एडिट पे जाके से थोड़े से, एंड आई रियली लाइक इट, लुक्स रियली नाइस. एंड आई एम होपिंग कि ये बहुत अच्छा करे तो क्लास ऑफ 2021 में और हम दोनों आए. मे बी मुझे 5 स्कूलों से निकाला गया है फॉर बिहेवियर इशूज ओनली. उस पर से मेरे मार्क्स कुछ मैथ्स और साइंस में बड़े ही घटिया आते थे गाइस, तो उस वजह से आई डेंट हैव दैट बैकबोन कि मैं बोल सकूँ नहीं मुझे स्कूल में रखो. बट ऑन द होल स्कूल वॉज सो मच फन. जब हम बच्चे थे, जब हम छोटे थे, आई थिंक जब हमें पेरेंट्स बोलते थे कि यू गोना मिस दीज डेज,
हमें रियलाइज नहीं होता था बट नाउ व्हेन यू लुक बैक टू दोस डेज आई थिंक दैट वाज द गोल्डन पीरियड ऑफ आवर लाइव्स बेस्ट टाइम. मेरा एक्चुअली उल्टा है. मेरी क्लास टीचर से मेरा नाम याद नहीं होता था क्योंकि मैं डांस रूम में पढ़ी रहती थी पूरे मेरी एक साल मैं उस क्लास में हूँ. टीचर को मेरा नाम ही नहीं पता. शी डज नो आई एम फ्रॉम दैट क्लास. बट आई वॉज वेरी ओबीडियंट और मुझे कभी स्कूल से निकाला नहीं गया. मेरे को स्कूल छोड़ के दूसरे स्कूल जाना था पर वो नहीं हुआ. एंड लोग बोलते हैं कि आप स्कूल टाइम मिस करोगे. मैं उतना नहीं करती क्योंकि मैं ज़्यादा स्कूल में इन्वॉल्व थी नहीं. बट ये सब देख के मैंने जो क्लिप्स देखी है उससे मुझे ऐसा लग रहा है कि यार वेट अ मिनट आई शुड हैव डन दिस इन स्कूल. आई शुड हैव हैड फन. बट नेवर टू लेट. अभी भी हम बच्चे ही हैं तो लेट्स हैव फन गाइस. लास्ट मिनट लिटरली लास्ट मिनट. कैन आई टेल यू ऑनेस्टली ही इज लाइक आई एम नॉट कमिंग आई डोंट हैव क्लोथ्स व्हाट डू आई वेयर पजामा पार्टी. आई वाज लाइक वेट आई विल गेट यू क्लोथ्स. दिस रोब शी गॉट इट फॉर मी एंड देन आई सेड ओके लेट्स डू दिस. Vikas is an amazing creator. He tells story like nobody else. And he knows how to get in, like interact with the audience, put elements jisse log relate kare, and you know the show does really amazing because of the thought that he puts in. So I'm very very pumped this time because class of 2017 was such a success and I'm pretty sure ki is saal class of 2020 is going to do amazing. And lots of love to Rohan, Chetna, Nibhi, Prakriti, all of them. I think it's going to be kick ass. VG har baar kuch different leke aate hain और हमें इतनी सारी चीज़ें सिखाई है. एंड आई एम श्योर उन्होंने अपने 2020 के बच्चों को भी सिखाई होगी. दे शुड बी ओबीडियंट. आई वांट टू सी दैट. एंड आई थिंक 2017 की स्टोरी से ये काफ़ी डिफरेंट है जितना मैंने सुना है. एंड हर बार इतने क्रिएटिविटी कहाँ से लाते हैं वो आई डोंट नो. एंड यू नो इट्स जस्ट अमेजिंग टू सिट विद हिम एंड लिसन टू हिज स्टोरीज बिकॉज वो बहुत ही अमेजिंग चीज़ें लिखते हैं एंड शोज क्रिएट करते हैं. मचाए हैं वो बिग बॉस में. सी इट्स ऑलवेज अमेजिंग टू सी योर फेवरेट पीपल बैक ऑन स्क्रीन बिकॉज वो जब भी जाते हैं देयर इज अ रीजन व्हाई दे पुट इन दैट प्लेस बिकॉज लोग सोचते हैं कि ही इज गॉट द पोटेंशियल टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द रिक्वायरमेंट ऑफ द आवर नीड ऑफ द आवर. सो उस हिसाब से आई थिंक ही इज डन जस्टिस टू व्हाट ही वाज सपोज्ड टू डू इन द हाउस. एंड बाकी ही नोज रियली वेल हाउ टू प्ले विद ऑल ऑफ दिस. सो ही इज मास्टरमाइंड एट हिज पीक. या एक्चुअली जो उन्होंने टास्क में किया द नोट कलेक्शन टास्क वाव. आई वाज लाइक इतना दिमाग मेरे में क्यों नहीं है. तो चूकर भी नहीं है. थैंक यू गाइस. कई सालों बाद हाँ दिस इज माय फर्स्ट टाइम इन वेब सीरीज एंड माय फर्स्ट हिट शो वाज कुसुम विद बालाजी. इंशाल्लाह माय फर्स्ट हिट वेब शो विल बी विद बालाजी. So yeah, I'm very excited. See, I'll be biased because I adore him. I think Vikas Gupta is an amazing human being and very giving, very loving, very affectionate, and he wants to help people and guide people. He has no airs. He's very humble. So I look at him as a friend, as a mentor, and as an angel, literally. फ़र्क तो इट्स लाइक ज़्यादा फ़र्क नहीं है. मीडियम का फ़र्क है बस. एज एन एक्टर फॉर अस इट्स डायलॉग्स इट्स कैरेक्टर इट्स द राइट टीम द यूनिट. सो या आई थिंक द रीच ऑल्सो इज डिफरेंट राइट बिकॉज टेलीविजन रीच इज मच मोर बट वेब इज पिकिंग अप नाउ. सो नेवर नो. पार्टी देखते हैं. फर्स्ट टाइम नाइट सूट में आई हूँ पार्टी करने. या इट इज कम्फर्टेबल इट इज सो नाइस. आई एम नॉट अ फैन ऑफ पीपल फाइटिंग बट बिकॉज विकास वॉज एंटरिंग अगेन आई सॉ अ कपल ऑफ एपिसोड्स. मेरी बेस्ट फ्रेंड तो टोटली वॉचेज बिग बॉस लेफ्ट राइट सेंटर एंड आई लव इट फॉर सलमान खान. आई हैव अ बिग क्रश ऑन हिम. So yeah, I think I really enjoyed the last few episodes where a lot of things happened and drama and love and
breakups and stuff like that. So it's nice. It's I think Siddharth and Sana and Asim are very entertaining. Thank you. Done? Can I go? Bahut excited hoon being a part of our alt Balaji. I'm already excited about all the shows. In fact, the previous shows I was in Gandhibad, and now class 2020, I'm all excited because Vikas ka show I lost hoega, and my very dear friend Nibhi Dita Pal is in it, Rohan is there in it, so I'm all excited to watch the show because it's very cute, very saucy, and obviously very high school, so I'm totally excited about it. Thank you so much. Thank you. का माहौल जब देखो क्लास की पार्टी है बच्चों की है कंप्लीटली दे आर कॉल्ड नॉट टीनेजर्स टीन रेजर्स सो आई एम हैविंग अ लॉट ऑफ मस्ती अपस्टेयर्स एंड वी कांट हैव अ लॉट ऑफ मस्ती सर आए हुए हैं ना वी हैव टू बी गुड गर्ल्स लाइक रिस्पेक्ट सो कैन आई जस्ट टेल यू आई डोंट लाइक गुड गर्ल्स ओह ओके सो आई थिंक नाउ वी विल मिसबिहेव कंप्लीटली नाउ वी विल कूल ये सोच के क्योंकि क्लास 2017 जब आया था बहुत बड़ा हिट हुआ था तो पिछले दो साल से बोल रहे थे उसका सीक्वल बनाओ मैं बना नहीं पा रहा था क्योंकि मैं बहुत सारी चीज़ें कर रहा था तुम सब जानते हो तो अब इस बार मैंने डिसाइड किया कि आई विल डू द सीक्वल एंड इट्स कम आउट सो ब्यूटीफुल सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि बेसिकली ही लव्स मनी सबसे सस्ता शो है मेरा ये और फिर भी हमने इसे इतने अच्छी तरीके से बनाया है एवरीवन्स वर्क्ड एट ऑलमोस्ट निल द प्राइस the best part about it is it's got 3 seasons and they're all releasing in the same month so aaj release hua 11 the second season is releasing on the 14th of feb and the third is releasing on the 24th or 25th of feb I'm not sure of that one so the entire 3 seasons will come in the month of february worked very hard we'll watch it I wish you all the luck and we both hope that yes. It does amazing so much better shows. Than 2017 if it does much better 2017 then I'm going to throw another party oh yeah and in 2021 it's going to be us okay. I was just going to say this tum वैसे भी खतरों के खिलाड़ी के प्रोमो में स्कूल ही ड्रेस में भाग रही थी वो I know yeah देखो चेतना पांडे 17 साल की लग रही है I can't believe it उसका रीज़न ये है कि मुझे कपड़े पहनने नहीं पड़ेंगे ना फिर तो मैं अपने रैंडमली कुछ ही पहन के आ जाऊंगा और फिर तो ये वैसे भी स्कूल की पार्टी थी तो यहाँ तो पजामा पार्टी बनती है वेरी गुड थिंग हमारे ना स्टाइलिस्ट के पैसे बच गए His last to last birthday party was also pajama party. Yeah. I Listen, think he only owns no, pajamas. No, yeah, because I was there at the birthday party. No, you came, but that was उससे पहले superhero party थी याद है? नहीं वो वाली में नहीं. तू नहीं थी. मेरे को नहीं पता. मैंने विकास को बस अभी कुछ दिनों पहले जाना है. So I think now I'll be the part of all the parties. Yes. मेरी पार्टी साल में एक ही होती है. Oh shucks. मैं करता नहीं. अरे वाह. बेहद तू मेरे साथ. बेहद तू चला गया. जी. बहुत अच्छा लग रहा है यार लाइक जेनिफर इज अ फैबुलस एक्टर सो व्हेनेवर शी इज ऑन स्क्रीन तो उनको देखकर बहुत मज़ा आता है और बेहद टू भी बहुत अच्छा कर रहा है एंड जेनिफर इज ऑलवेज एज ऑलवेज किलिंग इट एंड इवन शिवन इज डूइंग अ फैब जॉब यू नो शिवन राइट या वी एंड खतरों टुगेदर सो ऑल ऑफ देम आर डूइंग अ फैब जॉब पर उसमें मैं नहीं हूँ तो जो भी कुछ मिसिंग है वो मेरी वजह से नहीं किसी के सिलसिला का पार्ट 1 किसी और ने किया तो सिलसिला का पार्ट 2 हमने किया वैसे पार्ट 1 किसी ने इट्स ओके लाइफ होता रहता है सब आउट कर हमें घमंड किसी बात का नहीं है सिलसिला का कि बेहद का कथरी सिलसिला का अगर तेजस्वी मैम के डेट्स फ्री होंगे तो क्यों नहीं वाओ वाओ मतलब मैम के डेट ना होंगे सीजन 3 नहीं आ रहा है और इनको पैसे भी डबल चाहिए ये झूठ है प्लान है आएगा हां लेट्स होप सो क्रॉस थैंक यू कीप योर फिंगर्स बाय बाय सो आई थिंक जब मैं विकास से मिली तो इन सबका वर्कशॉप्स चल रहा था इन हिज ऑफिस So I've seen all of them do workshops for this show. So yes, it is exciting. ये गाना बहुत अच्छा गाती है, बहुत अच्छा. लेकिन मैं अभी गाने वाली नहीं हूँ. एक तो सुना दूँ यार क्या है? All the best, all the best, all the best. Okay.
आइए यस सो एज आई वाज सेइंग दैट इन सारे स्टूडेंट्स के क्लास 2020 के स्टूडेंट्स के वर्कशॉप्स हुए मेरे सामने एंड आई एम एक्साइटेड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर देम एंड कॉलेज शोज आर ऑलवेज रॉकिंग सो दिस वन इज गोइंग टू रॉक ऑल द बेस्ट फॉर देम एंड टू विकास हाँ जी ओ माय गॉड my school was like a refugee camp and I hated it. It was a Christian school and it was full of nuns. And I didn't have a great school life. But yes, their school looks very interesting to me. So I am excited to catch it. All right. देखिए मेरे स्कूल में सारे 50 प्लस टीचर्स थे उन पर सारे लेडीज़ थे उन पर अगर क्रश हो जाए तो कुछ और ही बात हो जाएगी यस यस विकास के बारे में मैं यही कहना चाहूँगी इज़ अ वेरी वेरी एनकरेजिंग पर्सन स्पेशली टू न्यू टैलेंट So whoever finds him is very lucky because he becomes like their lucky charm and he exactly knows how to jaise hota hai na parakhna वैसे he exactly knows how to find his diamond and class 2020 is going to be all of them so yes all the best to all of them I'm waiting for this to watch this maine abhi abhi gaya na all the best I'm like very, very, very excited. I've seen the trailer of Class 2020 and it's really amazing. It's full of life and I'm just waiting to watch it. It's full of energy. I mean, yeah, all the people who have been working with this Class 2020, they all are amazing. The concept is really, I mean, it's too good. And really, it's very, very enjoyable and yeah. I'm looking forward to binge watch it tonight. Yes, yes, yes. See, if I talk about old Balaji, I mean anybody in the house, whether it's your parents or your kids or anybody, any young generation, anybody can watch old Balaji. They have like package for each and everyone. That's the very exciting and very, very, very good thing about old Balaji, yeah. I did medically yours for old Balaji and I'm currently doing a cartel show for old Balaji. Thank you so much. Thank you. Thank you. पहला तो विकास गुप्ता मेरा दोस्त है उसने मेरे को मैं और एक कोई प्रोग्राम में था तो उसने बोला कि बहू आपको आना है तो आज ही हो गया अभी जाके देखता हूँ अंदर क्या है हिंदी में बात करना अच्छा लगता है हिंदी हाँ मैं सच में बोलता है कि जब से मैं 1.5 महीना हो गया मेरे को आके 1.5 महीने में मुश्किल से 3 या 4 बार गया सोने के लिए घर पे घर वाले परेशान है कि मैं किधर है तो घर पे बोल के रखा है कि पुलिस स्टेशन जाना नहीं मैं इधर इवेंट करते रहता है तो घूम गया भीम गया वो मिसिंग में जाना नहीं डालने के लिए तो नहीं देख पा रहा हूँ मैं कुछ भी वीडियो नहीं देख पा रहा हूँ ना बिग बॉस का कुछ भी नहीं एपिसोड नहीं देखा अभी तक हाँ तो बुलाया ना वो अभी फ़ोन किया 14-15 को जाना है शूट के लिए बुलाए टॉप 3 नहीं टॉप 1 में बोलेगा तो फिर बता सकते हैं वो जो बिग बॉस का आवाज़ निकलता है ना मेरे को लगता है उसको दे दो ट्रॉफी बेचारे को क्योंकि 3:30 बजे भी वो बोलता है बिग बॉस चाहते हैं तो उसको दे दो मेरे को ऐसा लगता है
हाँ क्या है ना, अभी तक लोगों ने हिंदुस्तानी बाहू का ना वो पहला वाला चेहरा देखा था मालूम ना कौन सा, पहली फुर्सत वाला, तो उधर जाने के बाद डेढ़ महीने में असली चेहरा दिखाया मैं, क्योंकि मेरी दुश्मनी उन लोग से है जो मेरे देश के खिलाफ बात करते हैं, मेरे देश के लोगों के खिलाफ बात करते हैं, मैं उन लोग को बताता है, झाड़ू डाल के मोर बनाता उन लोग को। यहाँ अपने हिंदुस्तान के लोग थे अपने वो बिग बॉस के घर में, तो मेरे घर में भी ना मैं किसी को गाली नहीं देता है ना किसी, बाहर बहन बेटियों की सबकी इज्जत करता मैं, तो वो भी आए हुए किसी की बहन बेटियाँ थी ना तो बनता है। हाँ माँ ने पहले ही गले मिलके मेरे को बोला कि अभी तू मेरे को छोड़ के किधर नहीं जाना, फाइनल हो गया, फिर खत्म, जीत गया मैं बिग बॉस, ऐसा है। क्या है देखो क्या है मालूम है, कौन सी बात आप लोगों को मीडिया वालों से कभी छुपी है क्या, बराबर ढूंढ के निकलते तो आगे भी होएगा वो आपको पता चल जाएगा, कंफर्म है। कल तो बहुत सारे मीडिया वाले थे इसमें से, देख रहा हूँ मैं, जिन्होंने नए 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 बोल के बहुत कुछ निकलवा लिया मेरे से। तो अभी एक टॉकर हाउस करके आया जो कल डॉन सिनेमा के थे, उसमें मेरे को होस्ट का मिला जो मलेशिया में होने वाला है, उसमें होस्ट का मिला है, दो मराठी पिक्चर मिला है, एक अभी संजू बाबा बोले मेरे साथ करेगा क्या काम, करते हैं वो तो मेरा डार्लिंग है, तो उसके साथ तो नहीं बोलेगा ही नहीं मैं, करेगा। मेरे को मालूम नहीं, कोई भी आने दे, मेरे को मेरे काम से मतलब है, एजाज क्या मेरा दुश्मन नहीं है, कोई भी करने दे, ये किस्मत है ना किस्मत, जिसको जो लिखा है वो मिलेगा ना, ऐसा है। और हाँ नहीं मैं फैंस के लिए नहीं बोलते, वो कुछ 10% लोग रहते थे ना जो भाऊ को ये सोचते भाऊ गाली देता है, भाऊ ये करता है, भाऊ को अक्कल नहीं, मैं उनके लिए बोलता था, मगर अभी उन लोग भी मेरे को बहुत प्यार किया, अभी डेढ़ महीना हो गया मैं आके, मुझे बहुत इज्जत मिली है, बहुत, यानी जो वो लोगों के माइंड में था ना कि ये गंदा आदमी अभी बिग बॉस में जाएगा और वो करेगा, तो उनका जो माइंड मैंने चेंज किया, तो आज मुझे बहुत प्यार करते हैं उन लोग। तो वो डायलॉग था कि जिसको भी मेरे बात का बुरा लगता है वो पहली फुर्सत में निकल, खाता है इधर का और गाता है उधर का, तो पहली टिकट निकाल और भाग उधर चल, समझा। हाँ थैंक यू या आई नो आज पजामा पार्टी है, बट आई एम वेयरिंग मोर लाइक स्पोर्टी क्लोथ्स, क्योंकि मेरे इतने प्रिटी पजामाज नहीं थे, एंड देन विकास टोल्ड मी आई कैन वेयर वट एवर इज कम्फर्टेबल, एंड आई एम ऑलवेज मोर कम्फर्टेबल इन माई स्पोर्ट्स आउटफिट, सो आई एम लाइक आई डोंट केयर, मैं यही पहनूंगी, आई एम कम्फर्टेबल, आई कैन लिटरली गो आफ्टर स्लीप इन दिस, सो या आई एम गुड। आई हैवंट एंड आई एम, मुझे पता है ओल्ड बालाजी एंड विकास का शो है, so I am really excited because they've always come up with really cool stuff, so ye bhi bahut hi acha hoga, and I'm looking forward to the to watching the show. Yes, it's all about college life, so matlab agar aap se puchha jaye aapki college life ke bare mein to kya kuch memory aap share kare, dekho maine junior college I was a science student, aur fir baad mein maine engineering ki hui hai electronics and telecommunication mein, so engineering colleges are not so much fun like you know arts and commerce colleges, to maine itne kuch mazey nahi kiye, par jitna bhi ho saka main, I mean you know bunking classes, getting your experiments done by somebody else, mass bunk, ye wo sari mastiyan bahut thi। आई थिंक द लास्ट पजामा पार्टी ऑल्सो आई वॉज एट विकास बर्थडे ओनली, क्योंकि विकास के लास्ट बर्थडे, लास्ट टू लास्ट बर्थडे की भी थीम पजामा पार्टी थी,
अदरवाइज आई डोंट थिंक आई हैव बीन टू पजामा पार्टीज. जो लड़कियां हम लोग अदरवाइज करते हैं लाइक स्लमा पार्टीज उसमें तो ऑब्वियसली पजामाज होते हैं. ऑल ऑफ दैट आई हैव डन विद माय बेस्ट फ्रेंड्स बट अदरवाइज नो. Yeah, I think he's a lot of fun and he's very creative. He knows, he is a mastermind and he's always been like an elder brother to me. Or he's so tall that I actually like look up to him to an extent. And yeah, one more thing about Vikas is that he's always late. The party was supposed to start at 9. I've reached at 10:30 and he's still not here. That is not cool. As a host, he should be here. अभी तो देर इज़ समथिंग कमिंग अप रियली कूल जिसके बारे में बता नहीं सकती पर जिस बारे में मैं बता सकती हूँ विच इज़ फियर फैक्टर खतरों के खिलाड़ी जो 22 February से ऑन एयर आने वाला है कलर्स पर. और आप सब ने मेरा प्रोमो तो देखा ही होगा तो आई जस्ट होप यू ऑल वॉच इट एंड लव इट लाइक ऑल द अदर सीजन ऑफ खतरों. एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था. मैंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि मैं जितना दूर तक पहुँची वहाँ तक पहुँचूँगी. सेमीफिनाले में आकर मुझे शो क्विट करना पड़ा जैसे कि आप सब जानते हैं सो दैट्स नो सरप्राइज. सो जितना मैं कर पाई आई थिंक जब भी आप लोग देखोगे तो आपको पता चलेगा. आई थिंक आई एम रियली प्राउड ऑफ माई सेल्फ दैट्स ऑल आई हैव टू से. नहीं कर सकती आई कांट डिस्कस स्टंट्स. इट इज़ नेवर फन और सब काटते हैं और बहुत कम चीज़ें होती है जो कैमरा में कैप्चर हो पाती है. जो हम पे बीतती है वो सिर्फ हम ही जानते हैं क्योंकि वो कीड़े मकूड़े बहुत जगह घुस घुस के काटते हैं जहाँ कैमरा भी नहीं जा सकता. सो हमें ही पता है कि हम पे क्या गुजरी है. मैं वो शब्दों में एक्सप्रेस नहीं कर पाऊँगी. रोहित सर वॉज वेरी सपोर्टिव एंड आई हैव ऑलवेज बीन अ मतलब आई ऑलवेज लुक्ड अप टू हिम एंड मैंने हमेशा हर एक स्टंट के पहले आई यूज टू गो टू सर एंड आई यूज टू बी लाइक ये वाला कैसे करूँ. और हमेशा जो भी पॉइंटर्स रोहित सर देते थे मैं उसे एग्जैक्टली वर्ड टू वर्ड फॉलो करती थी. एंड आई थिंक इट्स ओनली बिकॉज ऑफ दैट कि मैं इतना दूर तक पहुँच पाई इन द शो. जी थोड़ा बहुत बट आई मिस्ड यस्टरडे एंड डे बिफोर यस्टरडेज एपिसोड. कुछ खास हुआ क्या? टॉप थ्री में मैं तो देखना चाहूँगी रश्मि आसिम पारस को बट आई थिंक सिद्धार्थ भी होंगे और शहनाज भी होंगे. हाँ फाइव हो गया ना. इट्स सो टफ. वो लोग कैसे डिसाइड करेंगे टॉप थ्री. बहुत बहुत टफ है और बहुत अच्छा चल रहा है एंड टॉप थ्री इज़ गोइंग टू बी टफ. मुझे ऐसे कुछ नहीं. मुझे पिछले 4 साल से ऑफर मिले हैं टू डू बिग बॉस एंड आई हैव जस्ट नेवर फाउंड द टाइम टू डू इट. इस साल ऑल्सो आई डिड खतरों के खिलाड़ी एंड दैट इज़ आई कुडंट डू बिग बॉस. आई मीन आई कुड डू इट पर मुझे एक रियलिटी के बाद थोड़ा ब्रेक लेके एक नॉर्मल डेली सोप करना था. बट लेट्स सी. आई शुड नेवर से नेवर.